हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिफाइन। आज की वीडियो में कुछ एक्सटेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ ट्रिक्स देखेंगे, और ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है जो कि आपने देख ही लिया होगा। सो सिट बैक्स एंड वॉच केयरफुली। एक्सटेंशन से सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटीज़ बढ़ जाते हैं और एक्स्ट्रा टूल्स भी मिलते हैं और UI एक्सपीरियंस भी सिंपल हो जाता है, जैसे कि सिंगल क्लिक पर पार्ट ऑटोमेटिकली ओरिएंट हो जाता है इन मोस्ट एफिशिएंट वे टू प्रिंट। और इन एक्सटेंशंस में मोस्टली यूज़ होने वाला एक्सटेंशंस है मैश टूल्स। इसमें एक्सप्लोर करेंगे और बाकी का भी ओवरव्यू देखेंगे। एक्सटेंशंस को एक्सेस करने के लिए राइट साइड टॉप में मार्केट प्लेस का बटन है, इस पर क्लिक करते ही विंडो ओपन होती है इंस्टॉल प्लगइन्स। सो यहाँ पर जो भी एक्सटेंशंस दिए हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे मैश टूल्स। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और हम रेकमेंड भी करेंगे कि आप इंस्टॉल कीजिए। और हम ये भी देख सकते हैं इसके आगे ब्लू टिक लगा हुआ है, इसका मतलब आजकल सभी जानते हैं, मतलब ये वेरीफाइड प्लगइन है। इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं कि ये मैश एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल है। अगर आपको मैश टूल्स नहीं दिख रहा है तो टॉप में सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। सर्च बार के एंड में देखोगे तो वहाँ पर प्लगइन्स और मटेरियल्स का टैब है, इस टैब को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया है, क्यूरा को रिस्टार्ट कर लेंगे। हमें मेन इसमें स्क्रीन पर कुछ डिफरेंट नहीं दिखेगा, पर राइट क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा मैश टूल्स। इस पर होवर करेंगे तो अंदर के ऑप्शंस हम देख सकते हैं। पहले थ्री ऑप्शंस है रीलोड, रीनेम एंड रिप्लेस। ये तीनों बेसिक कमांड्स है, जैसे कि इनका नेम है। रीलोड से मॉडल रीलोड होता है बिल्ड प्लेट पर, रीनेम से रीनेम, एंड रिप्लेस करने पर विंडो ओपन होगी एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए। इसके बाद का ऑप्शन है चेक मैश। हम कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो नॉर्मल दिख रहा है तो ठीक है, अगर सरफेस हाइलाइटेड है टू मॉडल में कुछ इश्यूज हो सकता है, और इंपोर्ट करते टाइम मैसेज आता है मॉडल एरर। मैश टूल्स का भी एरर पॉपअप होता है, मॉडल इज़ नॉट वाटर टाइट एंड मे नॉट प्रिंट प्रॉपरली, शो एक्सरे व्यू। एक्सरे व्यू में मॉडल एरर्स देखने के लिए यूज़ हो सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। अब आते हैं टॉपिक पर, चेक मैश। मॉडल नॉर्मल है, कुछ एरर मैसेज भी नहीं है और इंपोर्ट के टाइम, बट स्लाइस करने के बाद प्रीव्यू सेम नहीं आ रहा है, कुछ सरफेस मिसिंग है। तो यहाँ पर आप चेक मैश पर क्लिक करोगे तो डिटेल्स में दिखेगा कि मैश वाटर टाइट है कि नहीं। अगर नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन है एनालाइज मैश। इसमें आपको बस नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टाइसेस दिखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स सिंपल होल्स। इस ऑप्शन से छोटे मोटे एरर्स फिक्स हो जाता है, बट एवरी टाइम ये वर्क नहीं करेगा और मैसेज पॉपअप करेगा कि मॉडल को एक्सटेंसिव रिपेयर की ज़रूरत है। आप मॉडल को STL में कन्वर्ट करने से पहले ही चेक कीजिए एंड रिपेयर इफ़ पॉसिबल, या फिर मॉडल को फिर से बनाए विथ एक्सटेंसिव केयर। इसके बाद है फिक्स मॉडल नॉर्मल्स। ये सरफेस का नॉर्मल फिक्स करने के लिए है। मोस्टली डिज़ाइन करते वक्त नॉर्मल्स अलाइंड होते हैं एक डायरेक्शन में, बट कोई फेस अलग से बनाकर ज्वाइन किया है तो नॉर्मल्स अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम मॉडल्स बनाते वक्त नॉर्मल्स चेक्स नहीं करते एंड वी डोंट रिमेंबर कि नॉर्मल्स जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। और नेक्स्ट है स्प्लिट मॉडल्स इनटू पार्ट। ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक ही STL फाइल में अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है और उनको डिफरेंटली प्रिंट करना है या सीक्वेंशियली प्रिंट करना है, तो ये टूल सेपरेट कर सकता है और हम सेपरेट मॉडल को सेव भी कर सकते हैं। इसका एक यूज़ केस सिनेरियो बताता है। हम बैच में सीक्वेंशियली प्रिंट कर रहे हैं और हमें मॉडल को अरेंज करना है, तो फर्स्ट हम बिल्ड प्लेट पर इंपोर्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करके मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्वांटिटी डालेंगे, लेट्स से 25, एंड देन अरेंज ऑल मॉडल्स पे क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट है Ctrl+R। तो ये बिल्ड प्लेट पर कुछ ही मॉडल्स अरेंज करेगा एंड मैसेज आएगा नॉट इन अ स्पेस, एंड मॉडल बिल्ड प्लेट के बाहर चला जाएगा। तो एक एक को हम मैन्युअली पिक करके प्लेस करेंगे। अब आते हैं इस स्प्लिट मॉडल के यूज़ केस पर। हम ऐसा करेंगे, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में इसका पैटर्न क्रिएट कर लेंगे, बिल्ड प्लेट की जितनी साइज़ है जितने रेक्टेंगल में। अब इसे क्यूरा में इंपोर्ट करेंगे और स्प्लिट मॉडल इनटू पार्ट्स करेंगे,
यहाँ पर मैंने 50 क्वांटिटी रखी है, अब इसे हम सीक्वेंशियली प्रिंट कर सकते हैं। हमें इसी बिल्ड प्लेट पर 130 क्वांटिटी की भी बनाई है। अगर आप स्लाइस क्लिक करने पर अनेबल टू स्लाइस आ रहा है तो हम इसका एक वर्क अराउंड है जो अभी देखते हैं। तो ये है इस टूल का यूज़, और भी होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखते हैं स्लाइस क्यों नहीं हो रहा है। ये स्पेसिफिकली हम सीक्वेंशियल प्रिंटिंग के लिए डिस्कस करेंगे। जब हम प्रिंट वन एट अ टाइम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ग्रे और एक ब्लैक शेडो आता है, और प्रिंटर की हाइट भी कम हो जाती है। जो हाइट कम होती है वो एक्स गैंट्री का साइज़ होता है, कि जब नोजल बिल्ड प्लेट को टच करेगा तो गैंट्री और प्लेट के बीच में क्लियरेंस कितना है होता है। जो छोटा ब्लैक शेडो है वो स्कर्ट का डिस्टेंस होता है, और जो ग्रे शेडो है वो प्रिंट हेड का वर्किंग एरिया है। मीन्स ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करते वक्त प्रिंट हेड उतने एरिया में ट्रैवल करेगा। कभी भी ये ग्रे शेडो अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ब्लैक शेडो या स्कर्ट को टच करता है तो स्लाइस नहीं होगा एंड अनेबल टू स्लाइस आएगा। इनके बीच में गैप रखेंगे तो ये स्लाइस होगा। हम प्रिंटर्स के सेटिंग्स या प्रिंट सेटिंग्स को भी स्पेसिफिक चेंज करेंगे, बट इस चेंज करने से पहले इन सेटिंग्स को का स्निप सेव कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए। तो हम सेटिंग्स में प्रिंटर में मैनेज प्रिंटर्स मशीन सेटिंग्स पर यहाँ पर हम सारे चेंज करेंगे, बट डू रिमेंबर कि टू चेंज बैक टू ओरिजिनल, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट प्रिंट करते वक्त आपके गैंट्री और प्रिंट हेड नोजल्स बिल्ड प्लेट डैमेज हो सकती है, सो बी केयरफुल। तो आगे बढ़ते हुए प्रिंट हेड सेटिंग्स में हम एक्स मिन मैक्स और वाई मिनिमम एंड मैक्सिमम की वैल्यू क्लोज टू जीरो कर देंगे, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है तो गैंट्री हाइट भी इंक्रीज कर देंगे, और हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। इसे क्लोज करेंगे तो बिल्ड प्लेट पर देख सकते हैं हमारा शेडो छोटे हो गया है एंड अब स्लाइस भी हो सकता है। आपको अगर डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम आंसर करने का ज़रूर ट्राई करेंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है मैश टूल्स में रैंडमाइज लोकेशन। ये हमने कभी यूज़ नहीं किया है, और इसके नीचे वाला भी अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन टू मैश, अगर आपने किया है तो हमें ज़रूर बताइए और उनका यूज़ केस भी बता दीजिए। नेक्स्ट है रीसेट ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मैश। ये ओरिजिन जो स्प्लिट होने से पहले फुल मॉडल के सेंटर में था, ये ओरिजिन को सिलेक्ट ऑब्जेक्टेड के सेंटर में ले आती है। सो गाइज, ये था मैश टूल्स। अब नेक्स्ट एक्सटेंशन देखने से पहले हम क्विकली देख लेते हैं मटेरियल स्टैप को। इसमें हमें मैन्युफैक्चर स्पेशल मटेरियल्स मिलते हैं अगर हमारा फिलामेंट किसी ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन का है तो। यहाँ मटेरियल सिलेक्ट करते हुए हमें स्लाइसिंग सेटिंग्स में मटेरियल का टेम्परेचर, बिल्ड प्लेट टेम्परेचर सब डिफॉल्ट सेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग्स। वापस आते हैं प्लगइन्स टैब पर। इसमें एक और यूजफुल टूल है सेटिंग्स गाइड। इसे इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो सेटिंग का टैब है इसमें ऑप्शन पे होवर करेंगे तो हम इस डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है अबाउट वॉट दिस ऑप्शन डज। बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन है अगर क्यूरा लर्निंग स्टार्ट कर रहे हो तो। नेक्स्ट एक्सटेंशन है ऑटो ओरिएंटेशन। अगर आप रिलेटिवली न्यू है टू 3D प्रिंटिंग तो ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली ओरिएंट कर देता है मॉडल को। इससे एक्सेस करने के लिए हमें ऊपर टैब में एक्सटेंशंस के अंदर ऑटो ओरिएंटेशन ऑप्शन मिलेगा। इसमें हमें दो ऑप्शन दिखते हैं, एक फास्ट और एक एक्सटेंडेड फॉर ऑप्टिमल ओरिएंटेशन। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है तो रिजल्ट सेम ही होता है। लास्ट में सेटिंग्स बटन है और इसमें चेकबॉक्स है, इसे टिक करेंगे तो एवरी टाइम हम मॉडल लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ओरिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है वो है ऑटोमेटिक स्लाइसिंग टॉगल। इसे हमारे स्लाइसर बटन के आगे एक प्ले पॉज बटन आता है। अब आप सोचोगे कि स्लाइस के साइड में ही है बटन, हम स्लाइस कर लेंगे, बट ये प्ले करके रखेंगे तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रोटेट करेंगे या कुछ भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्लाइस कर देगा। अब आप समझ गए होंगे इसकी यूज़। ये बार बार स्लाइस क्लिक करने से हेल्प करता है। ये एक्सटेंशन रेकमेंड तो नहीं है बट यूज़ कर सकते हैं। अब तक आपने देखा होगा सिर्फ वेरीफाइड प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, नॉन वेरीफाइड भी यूज़ कर सकता है बट सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकता है, सो अपने रिस्क पर ही इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट एक्सटेंशन है बारबेरियन यूनिट्स। ये मॉडल को इंचेस से मेट्रिक में कन्वर्ट करता है और यूज़फुल है, बट आप मैनुअली भी स्केल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन शेप्स। ये नॉन वेरीफाइड है बट यूज़फुल टूल है।
अगर हमें कोई बेसिक शेप ऐड करना है तो 3D सॉफ्टवेयर में जाके मॉडल डिज़ाइन करो एंड देन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये वो वर्क बचाता है. सिंपली इंसर्ट शेप्स एंड इसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. और भी एक्सटेंशंस है बट आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर कोई यूजफुल एक्सटेंशंस है हमें मिस जो हमने मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर डिस्कशन कर सकें. सो ये इस वीडियो सीरीज का फाइनल वीडियो था एंड आई होप आपको क्यूरा के सब इम्पोर्टेंट सेटिंग्स पता चल चुके हैं. एंड एट दिस स्टेज आप किसी भी मॉडल को स्लाइस कर सकते हो विद द बेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स. आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर देना. एंड अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिल जाए और हम ऐसे ही और कंटेंट बनाते रहे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप प्रिंटिंग.